गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर ब्लॉग डैडी सुनेहास ब्लॉग। तो आज जो है मैं और मेरे हस्बैंड जी मार्केट गए थे तीज की शॉपिंग करने। सबसे पहले मैंने एक सैंडल लिया, ये देखिए कितने सारे कलेक्शन है, कितने सुंदर कलेक्शन है, ये सब मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। उसके बाद जो है मैं गई कॉस्मेटिक शॉप में, तो वहाँ पे मैंने बैंगल्स लिया, लहठी लिया मैंने मैचिंग साड़ी का। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर कलरफुल लहठी है, मैं देख करके मन करता है साड़ी ले लो। साड़ी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, देखिए दुकान में कितने सारे प्रोडक्ट्स पड़े पड़े हैं। गुड इवनिंग गाइस, तो आपको पता है कि परसों तीज है, तो तीज की प्रिपरेशन जो है मेरी बहुत दिनों से चल रही है। तो आज जो है मैं अपने आप को पैम्पर करने वाली हूँ, तो अभी मैं हेयर पैक लगाऊंगी और फिर फेस पे मैं अपना क्लींजिंग करूंगी। तो हेयर पैक बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए मतलब क्या है, दही। माय फेवरेट, मन तो कर रहा है ऐसे खाटू वाले से खा लो, पर खा नहीं सकती, सिर्फ बाल में लगा। तो चलिए हम लोग हेयर पैक बनाते हैं। ये मैंने पर्पस ऑर्डर किया था, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सीका का ही पाउडर है। ये आपको आपके हेयर को लॉन्ग करेगा, ब्लैक करेगा। मुझे ब्लैक बाल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये ब्लैक करेगा, स्मूथ करेगा ये और स्ट्रॉन्ग करेगा बाल को। तो ये रहा पाउडर, इसे क्या करना है, इसे सबसे पहले कट करना है। इसे सबसे पहले कट कीजिए और एक बोल में इसे डालिए, पूरा का पूरा मत डाल दीजिएगा, क्योंकि आपको आपके बाल जो हैं उसमें थोड़ा सा लगाना है। ये नहीं कि पूरा भर भर के लगा दीजिए पूरा 5 साल का एक ही बार में। तो उसके बाद कर्ड डालना है, तो कर्ड एक ही बार में 5 चम्मच मत डाल दीजिएगा, वरना फिर वो एकदम वो कढ़ी चावल वाला पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको हल्का सा कर्ड लेकर के उसे फिर स्पून से मिक्स करना है। लेकिन उसके पहले सीक्रेट इन्ग्रीडियंट मत भूलिएगा, एसेंशियल ऑयल। तो मैंने एसेंशियल ऑयल मेहंदी पैक में भी डाला था और इसमें भी मैं एसेंशियल ऑयल डालूँगी, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट होता है वो ऑसम होता है। तो एसेंशियल ऑयल 2 और 3 ड्रॉप्स डाल करके मैं यहाँ इसका थिक पेस्ट बना लूँ, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा रनी। मैं एक मीडियम जो वो हेयर में आराम से होल्ड कर सके मैं वैसा पैक बना रही हूँ। यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखिए कि मैं किस तरह उसका पैक बना रही हूँ। ऐसी ही कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ना थिक ना रनी। और मैं यहाँ पे अपने फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्रश से उतना कंफर्टेबल नहीं लगता, तो मैं अपने फिंगर्स से ही इसको अप्लाई करूँगी अपने हेयर में, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और जिसमें अगर आपको अगर ब्रश ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे अपने फिंगर्स ही ठीक लगे तो मैंने अपने फिंगर्स से ही अप्लाई किया इसे। और मैं आज मार्केट से लेट आई, उस समय हमने लंच किया, उसके बाद मैं आज सोई भी नहीं दोपहर में, क्योंकि मुझे और मेरी मम्मी को पार्लर जाना था। तो मैं पार्लर गई, वहाँ पे मैंने आईब्रो बनाया, जिसमें आप देख सकते हैं कि आईब्रो बनाने से लुक कितना डिफरेंट हो गया है। और मैं उसके बाद फिर वैक्स भी करवाई, दोनों हैंड में मैंने वैक्स करवाया। देखिए यहाँ पर किस तरह मैं अप्लाई कर रही हूँ, मतलब सीध जो है उसको निकाल करके जो मैं उसके रूट से लेकर के उसके लेंथ तक में मैं उसे अप्लाई कर रही हूँ। और इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करना है, इसे आराम से करना है। आज का दिन जो था वो पूरा मैंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया था कि आज अपने आप को पैम्पर करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। ये स्क्रब जो मैंने आपको दिखाया ये वो स्क्रब था जो मुझे purple.com से फ्री मिला था, मतलब छोटू सा था, मैं बस बायोटिक का था, पर मैंने सोचा कि चलो इससे भी ट्राई करते हैं। पर ये स्क्रब मुझे उतना ठीक नहीं लगा, बायोटिक का बहुत ही अच्छा है, ये वाला स्क्रब मुझे ठीक नहीं लगा। फिर भी फर्स्ट टाइम था तो चलो किसी तरह ख़त्म करना था तो कर लिया मैंने, पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। जितना बायोटिक का यूज़ करके अच्छा लगता था स्किन, वैसा मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ट्रूली बोल रही हूँ, मुझे ये वाला स्क्रब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाद जो था वो मेरे फेस पैक का बाड़ी था, तो ये मैंने आपको दिखाया था कि ये पाउडर जो है इसको भी मैंने purple.com से मंगाया था। ये सैंडल वुड एंड रोज़ पाउडर है, तो इसे भी मैंने कर्ड के साथ ही मिक्स किया। ये देखिए यहाँ पे इनर पैकेजिंग ऐसी थी, तो इस पाउडर को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। उसके बाद इसको भी मैं इसमें भी मैं कर्ड मिलाऊंगी, तो हल्का सा पार्ट लेना है कर्ड का, एक ही बार में पूरा नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैं फोक की हेल्प से जो है वो इसे मिक्स कर रही हूँ।
अब यहाँ बारी है फेस पैक लगाने की, जिसे मैंने अभी मिक्स किया था, तो इसकी कंसिस्टेंसी भी जो है वो ना रनी रहेगी ना वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इसे देखिए मैं फिंगर की हेल्प से ही जो है वो फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए मैं कैसे अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैंने अपने फेस पे फेस पैक को ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैं मम्मी के पास गई मम्मी का स्क्रब एंड फेस पैक लगाने के लिए, क्योंकि मम्मी अपने सीन केयर करती नहीं है तो फिर मुझे तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मम्मी को जो है वो स्क्रब लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को बायोटिक का स्क्रब लगाया, क्योंकि वो मैंने जो purple.com से गुड वाइब्स का स्क्रब जो उन्होंने फ्री दिया था वो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं यहाँ पर मम्मी को बायोटिक का स्क्रब जो है वो लगा रही हूँ। यहाँ देखिए मेरा फेस कैसा लग रहा है, ये अभी ड्राई नहीं हुआ है, हल्का हल्का ड्राई हुआ है, तो मैं इसे ऐसे ही रहने दिया। मैंने शैम्पू भी कर लिया है, मैंने फेस पैक भी हटा दिया है। जब मैंने फेस पैक हटाया तो मेरे फेस पे सच में ऐसा लगा कि थोड़ा ब्राइटनेस तो था फेस पे, थम्स अप फॉर दैट। और हेयर मैंने अभी वॉश कर लिया है, तो बाल जब सूखेगा तब मैं आपको बताऊँगी कि जो हेयर पैक था वो कैसा था। सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Then bye bye.